अस्सलाम वालेकुम दोस्त, आज हमारे पास एक नोबल का टीवी है जी 14 इंच। इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें कोई पावर वगैरह शो नहीं हो रही, कोई चीज़ शो नहीं हो रही, ठीक है। जैसे इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहा, ठीक है जी। अब हम इसको ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये इसमें लाइट वगैरह नहीं आ रही। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं अभी इसको ओपन करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी, ठीक है जी। अब इस गेट के मैं सबसे पहले इसकी ग्रिप उतारने लगा हूँ। ग्रिप उतारने के बाद मैं इसको बाहर निकाल कर चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अब हमारी सप्लाई वगैरह भी इस टीवी की नहीं ऑन हो रही, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं, अब हमारा टीवी का, अब मैं इसकी पावर सप्लाई चेक करने लगा हूँ। पावर सप्लाई का इसका ये वाला हिस्सा, ठीक है जी। ये इस हिस्से को चेक करते हैं क्या इसका फ्यूज़ ख़राब है, ये इसके आगे कोई चीज़ ख़राब है, चेक करते हैं। इसका ये वाला फ्यूज़ जल चुका था जो अब हमने ये लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है जी। जो हल्की सी बारीक वायर लगा दी है, ठीक है। अब ये हमारा टीवी ऑन हो चुका है और इसमें कोई चीज़ का फॉल्ट नहीं निकला, लेकिन इसकी अब फ्रंट से इसके कलर हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसके फ्रंट के स्क्रीन के ये कलर आ रहे हैं, ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी फिटिंग करते हैं और इसकी जो एडमिट सिक्वायल का जैक है वो लगा कर चेक करते हैं क्या उससे ये हमारा ये फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता। ये जो आप फ्रंट से इसके धब्बे देख रहे थे वो इस जैक से ये इसके दूर होंगे, ये वाले, ठीक है। इस जैक का काम ये होता है, ये इसमें डब्बी होती है, इस डब्बी में दो मैलर होते हैं, वो इसको फुल शार्ट कर देते हैं। जब ये हीट होकर दोबारा ठंडे होते हैं उस वक्त ये इसकी जो कॉयल का ये वोल्टेज ये बंद हो जाते हैं। ये इसके जो ऊपर कॉयल है ना, ये उस वक्त काम करना छोड़ जाती है। पहले जब हम इसको स्विच लगाते हैं उस वक्त इसका फुल इसमें वोल्टेज जाते हैं, ये उसके बाद हीट होती है, हीट होने के बाद ये बंद कर देती है वोल्टेज। अगर इसका जब जैक लगा हुआ होता है उस वक्त जब हम इसको अगर सीरीज़ में लगाएंगे तो जो हमारा 200 वाट का बल्ब है वो फुल रोशन हो जाएगा, उसके बाद आस्ता आस्ता डाउन होता है, ठीक है। अगर इसमें डायरेक्ट लगाया गया तो जो इसका यकदम जो लोड पड़ता है वो इस वजह से इसका लोड पड़ता है, ठीक है जी। अगर ये वर्क कर रही हो, अगर ना वर्क कर रही हो तो फिर उसका जो टीवी का बैक लोड वो नहीं पड़ता। ये आप देख लें इसकी, ये अब जल रही है क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है, इसकी वजह से ये फ्यूज़ भी जला है। ये आप देख लें इसकी हल्की सी इसमें सर्किट शॉर्ट की जैसे आग भी लगी है इसमें, ठीक है जी, लेकिन ये अब इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको फ्रंट से भी चेक कराता हूँ क्या ये अब हमारा वर्क कर रही थी कि नहीं कर रही थी। ये वाली इसकी डब्बी नहीं काम कर रही, ठीक। अगर ये काम करती तो आप हमारे फ्रंट से जो स्क्रीन के धब्बे थे वो ख़त्म हो जाने थे, ठीक है जी। ये इसकी HPTC की जो डब्बी है कॉयल, ये ख़राब है, ये अब हमने इसको चेंज करना है और लगाना है, उसके बाद ये अब हमारी फिर दोबारा जो स्क्रीन के कलर है वो धब्बे वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। ये वाली डब्बी मैं इसकी चेंज करने लगा हूँ, ठीक है जी। मैं अब आपको निकाल कर दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं डब्बी भी इस जगह से हीट हो चुकी है, ठीक है जी, हीट हो चुकी है। ये मैंने इस जगह से निकाली है, एक पॉइंट इस जगह से, एक पॉइंट इस जगह से, ठीक है जी। अब मैं इसकी जगह पे और लगाने लगा। ये अब मैं इसमें दूसरी लगाने लगा हूँ। जो आपकी जली हुई होगा आप उसको बह निकाल कर जब हलाएँगे उसमें कोई कचरे से जैसे हलेंगे, ठीक है जी, कंकरे हलेंगे, लेकिन दूसरी जो उसकी ठीक होगी उसमें कोई चीज़ नहीं हलेगी। जैसे इसमें कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल फिक्स है, उसमें फिक्स नहीं होता, वो उसमें जो कार्बन होता है वो भोर जाता है, इस वजह से वो ख़त्म हो जाती है। ये अब मैंने दूसरी डब्बी लगा दी है, ठीक है जी। अब आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ दूसरी तरफ। ये अब मैंने लगा दी, इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइड नहीं, कोई तरफ किसी तरफ भी लगा दे, इसका कोई सेट अपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, जैसे भी लगा दें इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। अब मैंने इसके जैक वगैरह लगा दिए हैं, ठीक है जी।
अब इसको मैं वोल्टेज देके चेक करता हूँ क्या ये भी वैसे जल चुकी है, जल जाती है या कोई काम करती है या क्या नहीं। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ। मैं अब इसको पावर देने लगा हूँ। अब ये आप देख सकते हैं कि आप हमारी इस टीवी की स्क्रीन बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, एक कलर में ब्लू में हो चुकी है। पहले ये इसके रेड सब ये सभी इसके कलर आ रहे थे, ठीक है जी, ब्लू भी आ रहा था, रेड भी आ रहा था, सब्ज़ भी आ रहा था, लेकिन आप ये देखें बिल्कुल एक कलर में स्क्रीन है इसकी सब्ज़, क्योंकि ये अब इसकी जो कॉइल है ये काम कर रही है। अगर काम ना करते तो अब ये ऐसे कलर ना होते इसके, ठीक है। मैं अभी इसमें फोटो लगा कर चेक करता हूँ क्या उसमें कलर का फॉल्ट है कि नहीं। अब ये आप देख सकते हैं इसके कलर वगैरह भी मुकम्मल तौर पर ठीक है नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।